हाय फ्रेंड्स, 1600 मीटर का वेस्ट वर्कआउट है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका टाइमिंग एक महीने के अंदर 4:50 से 4:55 100% आएगा, लेकिन इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाय, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं राजस्थान इंटरनेशनल फोर टाइम स्टेट मेडलिस्ट एंड वन टाइम नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। 1600 मीटर का वर्कआउट बता रहा हूँ। बहुत डिमांड की है, बहुत फ्रेंड्स लोगों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज दिया है। उसको अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो आपका टाइम 4:50 4:55 30 मिनट के समथिंग एक महीने के अंदर 100% रहेगा। वो सोमवार को देखते हैं। सोमवार को सुबह मॉर्निंग में आपको 1200 मीटर 3 बार करनी है। एवरी प्रत्येक 1200 मीटर 3 मिनट और 50 सेकेंड में आना होना चाहिए। सोमवार का मॉर्निंग का वर्कआउट कम्प्लीट होता है। सोमवार को शाम का वर्कआउट है, 20 मिनट रनिंग करनी है आपको। उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग और कूल डाउन करना है। स्ट्रेचिंग और कूल डाउन एक्सरसाइज करनी है 20 मिनट रनिंग के बाद। मंगलवार को सुबह आपको हील ट्रेनिंग करनी है। आपके घर के आसपास कहीं भी चढ़ाई का रास्ता हो, 100 मीटर 150 मीटर 100 मीटर 300 मीटर की आप इस शो कर रहे हो उस पर आपको हिल ट्रेनिंग करनी है। 200 मीटर 300 मीटर कितनी भी हिल ट्रेनिंग हो, हिल ट्रेनिंग नहीं हो आपके मंदिर में सीढ़ियाँ वगैरह हो तो उस पर कर सकते हो। शाम को आपको 5 किलोमीटर करनी है 24 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद स्ट्रेचिंग कूल डाउन करना है। बुधवार को सुबह आपको इंड्योरेंस वर्कआउट 1600 मीटर में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इंड्योरेंस वर्कआउट होता है। इंडोरेंस अच्छा होगा आपका तो आपको दौड़ते टाइम थकान महसूस नहीं होगी। इंडोरेंस वर्कआउट में आपको 8 किलोमीटर 5:30 की पेस से करना है। प्रत्येक किलोमीटर आपका 5:30 की पेस से होना चाहिए। टोटल आपको 8 किलोमीटर करना है। बुधवार को सुबह ये इंडोरेंस वर्कआउट के अंदर आएगा। शाम को आपको टेस्ट करना। गुरुवार के दिन आपको सुबह मॉर्निंग में 200 मीटर एक टाइम 8 बार आपको 200 मीटर करनी है। प्रत्येक 200 मीटर 34 सेकेंड से 36 सेकेंड के बीच में होनी चाहिए और आपका रनिंग का भी टाइम रहेगा 2 मिनट। एवी रिपीटेशन एवी 200 मीटर रिपीटेशन रनिंग का भी टाइम 2 मिनट। शाम को आपको 20 मिनट रन करना है। उसके बाद आपको कोर एक्सरसाइज करनी है। कोर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कोर एक्सरसाइज का अच्छे से फोकस करना है। शुक्रवार को पूरे फ्राइडे को मॉर्निंग में आपको 3 किलोमीटर रन करना है। उसमें आपका स्लो फास्ट रहेगा, 200 मीटर स्लो रहेगा, 400 मीटर फास्ट रहेगा। उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है और कूल डाउन एक्सरसाइज करनी है। शुक्रवार को फ्राइडे को शाम को आपका 15 मिनट वार्म अप रहेगा। फ्राइडे को शाम को 15 मिनट वार्म अप रहेगा। उसके बाद आपकी पीवीसी एक्सरसाइज रहेगी। हम लास्ट फाइनल डे आते हैं शनिवार। सैटरडे को हमें सुबह मॉर्निंग में 4 किलोमीटर पेस रनिंग करनी है। वो प्रत्येक किलोमीटर 5 मिनट की पेस से होना चाहिए, 80 किलोमीटर 5 मिनट। उसके बाद हमें कूल डाउन करना है और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। शाम को हम लोगों को रेस्ट रहेगा। ऐसे हम करना चाहें तो गेम कर सकते हैं। मैं गेम करता हूँ शाम को, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एनी गेम आपको जो भी अवेलेबल हो आपके पास, जैसा कम अवेलेबल हो वो गेम आप कर सकते हैं। इसी के साथ मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं टीचर्स होल्डर को। अगर आप इस वर्कआउट को फॉलो करते हो तो एक महीने में आपका टाइम 100% 101% 5 मिनट के अंदर चला जाएगा। अगर आपका टाइम 5:30 है, 5:15 है, 5:20, अगर आपका टाइम अभी प्रेजेंट टाइम में 5 मिनट है तो आपका टाइम 4:45 4:50 100% आएगा। इसको अगर आप फॉलो करते